रेस्ट रेस्ट मास, मास। कि लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन एंड फोटोन हैज अ जीरो, फोटोन हैज एनर्जी एंड मोमेंटम एंड जीरो रेस्ट मास। तो रेस्ट मास का जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग ये है कि अगर हम ऑब्जर्व करें, मेजर करें मास ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो कि फोटोन की स्पीड से मूव कर रहा हो। जैसे मान लो तुम 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो, और मान लो कोई वेइंग मशीन है किसी के पास, तो वो वेइंग मशीन भी लेके दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और तुम्हारा मेजरमेंट लिया, तो वो हो जाएगा रेस्ट मास बाय डेफिनेशन। एक और मीनिंग हम समझ सकते हैं कि अगर हम पार्टिकल को, फोटोन को, रेस्ट मास जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर हम उसको रोक देते हैं, उसके स्पीड को जीरो करते हैं, कि फोटोन जा रहा है, मान लो हमने उसको पकड़ा, उसको रोका, तो वो गायब हो जाएगा। मतलब रेस्ट में उसका कोई मास नहीं है। ऐसे ही लेमैन लैंग्वेज हो गई कि रेस्ट में फोटोन का कोई मास नहीं है, फोटोन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर वो, उसका तभी तक एग्जिस्टेंस है जब तक वो मूविंग है, मूविंग कंडीशन में है। तो फोटोन हैज एनर्जी मोमेंटम बट जीरो रेस्ट मास। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। वैसे ये चीज तो पढ़ ही लिया है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, तो रिपीटेशन हो जाएगा ये, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। तो फोटोन की जो है, फोटोन की एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम प्लैंक्स थ्योरी, जो प्लैंक्स एच न्यू इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, या ये हो जाएगा एच सी वाई लैमडा। यहाँ पे एच ये है प्लैंक्स थ्योरी से, तो एच इज इक्वल टू 6.67 हाँ सर इंटू 10^-34 जूल्स, जूल सेकेंड, और सी इज इक्वल टू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और एच सी की कंबाइंड वैल्यू जो कि 2×10^-25 जूल मीटर, जूल मीटर 10^-25 ये यूज हो सकता है, या एच सी की 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू, कुछ कुछ वैल्यूज हमें डायरेक्टली रेडीमेड रखना है जिससे कि याद रहे, क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पीड जल्दी रहे। तो एसआई में पुट करना होगा, तो 2×10^-25 अप्रोक्सीमेटली पुट कर सकते हैं ये, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम जो है वही ज्यादा यूज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो यही यूज करना है। फिर उस एनर्जी का जो है, इसकी स्पीड, स्पीड तो वैक्यूम में, स्पीड जो है वैक्यूम में, स्पीड तो है स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम इज इक्वल टू सी 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। क्या इस फोटोन के पास कोई चार्ज होता है? फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर ये चार्ज नहीं है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, तो क्या उसमें फोटोन डेविएट होगा? फोटोन डेविएट नहीं होगा। तो फोटोन का जो है चार्ज जीरो, चार्ज ऑन फोटोन, चार्ज ऑन फोटोन वो क्या है? जीरो, चार्ज होता नहीं है। और इसका जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास भी इसका जीरो होगा, रेस्ट मास जीरो। बट इसका इफेक्टिव मास होता है, इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास सर, हाँ बोलो सर, थोड़ा E/c² सर, वो इलेक्ट्रिक वेव अगर देखते हैं हम, तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, एक मतलब ऑसिलेट करते रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं हुआ? वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे या तो फोटोन देखोगे। फोटोन जो एनर्जी पैकेट है, अब वो तो वेव और पार्टिकल फिर दोनों को एक ही साथ मिलाने वाली बात हो गई ना, कि या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो इस फोटोन के अंदर तो वही होगा ना, उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस, अपना अपने ही ऊपर इन्फ्लुएंस, इसे कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल फील्ड से, एक्सटर्नल फील्ड से वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ, एक्सटर्नल फील्ड से वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं। तो एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट तो चार्ज के ऊपर आता है ना,
एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट जो फोर्स है वो तो क्यू इंटू ई होगा, फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट सर, करेगा? नेट फील्ड हम जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई फील्ड है, दो चार्ज है, तो यहाँ पे ये फील्ड आपस में थोड़ी कुछ करेंगे, यहाँ पे तो रिजल्टेंट फील्ड चेंज हो सकती है, समझ रहे हो इस बात को? रिजल्टेंट फील्ड चेंज होगी, फील्ड से अफेक्ट होना है तब तो फोर्स बोल रहे हो, फोर्स तो जब चार्ज रहेगा तभी तो होगा, बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज होनी चाहिए उसके पास, हाँ सर, ठीक है? तो इफेक्टिव मास हम आइंस्टाइन के इक्वेशन से फाइंड करेंगे, मास एनर्जी इक्वलेंट जो इक्वेशन है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा, एच सी बाई लैमडा। तो यहाँ से जो मास है सी स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड है इसकी सी, तो यहाँ से हम मास जो फाइंड करते हैं, मास इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर या एच बाई सी लैमडा, एच बाई सी लैमडा। तो ये हुआ इसका इफेक्टिव मास, ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब अगर हमें इसका वो फाइंड करना है मोमेंटम, तो सी स्पीड से ही जा रहा है, तो ये एम इंटू सी, एम इंटू सी इज इक्वल टू ई बाई सी और एच बाई लैमडा। तो ये हो जाएगा इसका मोमेंटम, मोमेंटम को हम स्मॉल पी से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ये हो गया मोमेंटम, ये हो गया मास। तो फोटोन कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, इट हैज इफेक्टिव मास बट जीरो रेस्ट मास, चार्ज जीरो, चार्ज जीरो होगा तो फोटोन डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऐसा आ सकता है कि व्हेन द फोटोन डिफ्लेक्ट होता तब तो कोई लाइट किसी कैपेसिटर प्लेट से पास होती तो इधर उधर कर सकते थे हम ना, लाइट ऐसे थोड़ी कि बल्ब से लाइट आ रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके लाइट को उधर कर देंगे, ऐसे तो नहीं होता है, ये चीज नहीं होगी। तो मोमेंटम, मोमेंटम और ये सारा होगा। फिर दो टर्म और बताया था, एक फोटोन का, फोटोन से रिलेटेड कि कोई सोर्स है, सोर्स अगर सोर्स का पावर पी है, पावर ऑफ अ सोर्स, पावर ऑफ अ सोर्स, पावर ऑफ अ सोर्स, तो सोर्स का पावर अगर है कैपिटल पी, कैपिटल पी तो इसका मतलब क्या है कि वो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है, फोटोन रेडिएट कर रहा है वो पर सेकेंड, पर सेकेंड, तो क्या हम बोल सकते हैं एनर्जी पर सेकेंड, तो पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोटॉन और एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, तो एन एच सी बाई लैमडा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन रेडिएटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड पर सेकेंड, ठीक है, लैम्डा है इसकी वेवलेंथ, ये है। तो पावर अगर गिवन है, जैसे वन वाट का सोर्स है, कुछ सोडियम लैंप है, 5000 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ है, तो हम वहां से निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहा है। दूसरा इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स, तो इंटेंसिटी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू जो भी पावर है, पावर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर ए परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा एन एच सी बाई लैमडा इंटू ए परपेंडिकुलर या एन एच न्यू बाई एरिया परपेंडिकुलर। तो जो भी लेना है हमें रेडिएशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है। तो अब फोटोन का ये नेचर हुआ और लाइट के इंटेंसिटी और पावर से हम ऐसे रिलेट करेंगे, इंटेंसिटी और पावर से हम ऐसे रिलेट करेंगे। अब मान लो कि आज छोटा सा बस एक पॉइंट ऐड करूंगा इसमें, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। अब ये क्या होगा, ये जब हम डिस्कस करेंगे अभी तभी समझ में आएगा। तो पहला हम पहले वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम लेते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस है मतलब लाइट जो है वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो उसमें है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, मान लो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस,
मान लिया ये सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल बीम है, नॉर्मल इंसिडेंस है, और ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, ठीक है, मान लो ब्लैक कलर है, परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब इस पे इसकी इंटेंसिटी आई है, इसका एरिया ए है, तो हम ये सोचेंगे कि इस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, इंटेंसिटी इसकी जो है वो आई है। तो मान लिया कि कैपिटल एन फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहा है, तो मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटॉन इज, ऐसे वाई एक्सिस ले लो, इधर जो है एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है, एच बाई लैम्डा, किस डायरेक्शन में, yes, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो माइनस वाई एच बाई लैम्डा जे कैप, ऐसे लिख सकता है। इनिशियल मोमेंटम फोटोन इसी डायरेक्शन में आ रहा है और आके सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करके एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये मान लो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, तो किसी एक फोटॉन को हमने देखा, फोटॉन आया एब्जॉर्ब हो गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, फाइनल मोमेंटम एब्जॉर्ब हो गया, बात खत्म, जीरो जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटॉन, डेल्टा पी ऑफ वन फोटॉन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा जीरो माइनस माइनस ऑफ एच बाई लैम्डा जे कैप, या हम बोलेंगे एच बाई लैम्डा जे कैप। तो फोटॉन का मोमेंटम चेंज हुआ है, फोटॉन का मोमेंटम चेंज हुआ है एच बाई लैम्डा जे के डायरेक्शन में, मतलब फोटॉन के ऊपर फोर्स भी एक्ट किया होगा उसी डायरेक्शन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इक्वल, यस सर। तो जब फोटॉन के ऊपर फोर्स एक्ट किया होगा उधर, तो इसके ऊपर किधर होगा, सरफेस के ऊपर फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, न्यूटन थर्ड लॉ से, यस सर। इसको हम बोलेंगे एफ ए, बात समझ में आ रही है, फोटॉन का मोमेंटम चेंज है जे कैप में, जे कैप मतलब पॉजिटिव में, तो मोमेंटम चेंज तो उसी डायरेक्शन में होता है जिधर फोर्स होता है, मतलब फोटॉन के ऊपर फोर्स पॉजिटिव में है, तो सरफेस के ऊपर फोर्स किधर है, नेगेटिव में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एक फोटॉन के मोमेंटम में, ध्यान से देखो, एक फोटॉन के मोमेंटम में चेंज हुआ एच बाई लैम्डा, तो चेंज इन मोमेंटम एन नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में इतने फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं और हर फोटॉन के मोमेंटम में चेंज है एच बाई लैम्डा, क्या यही फोर्स है, क्या यही फोर्स है, यस सर, डिवाइडेड बाय डेल्टी एन, ना ना डेल्टी नहीं, यही तो बात है, पर सेकेंड ही तो है ये, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन वन सेकेंड और एक में मोमेंटम चेंज हुआ डेल्टा पी, तो ये क्या होगा, मोमेंटम चेंज इन वन सेकेंड, ये क्या हो गया, वन सेकेंड में मोमेंटम चेंज है, तो उसी को तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वही होता है फोर्स, तो ये हो गया एन इंटू डेल्टा पी, बस ये बात समझ में आ गई कि ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में जितने नंबर आए 100 आए और हर फोटॉन में कितने का चेंज हुआ एच बाई लैम्डा, तो वन सेकेंड में कितने का चेंज हो गया, यही वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यही फोर्स है, तो ये हो जाएगा एच बाई लैम्डा एन एच बाई लैम्डा। सर पीएफ जीरो कैसे हुआ सर, एब्जॉर्ब कर गया, अच्छा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो ए जो है वो जीरो हो गया, एफ ए ये हो गया, तो एफ ए अगर है तो प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, तो प्रेशर को मोमेंटम से डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे पी आर लिख दे रहा हूं, प्रेशर इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया, परपेंडिकुलर तो है ही फोर्स, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो हो जाएगा एन एच बाई लैमडा डिवाइडेड बाई ए, तो ये हो जाएगा एन एच बाई लैमडा ए,
और ये एन एच बाई लैम्डा है क्या होता है, आई बाई सी। आई का इक्वेशन देखो, आई इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा ए परपेंडिकुलर। यहाँ ये परपेंडिकुलर एरिया ही है, ये तो परपेंडिकुलर एरिया ही है, रेडिएशन के परपेंडिकुलर है, तो ए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा एन एच सी बाई लैम्डा, तो एन एच बाई लैम्डा ए, एन एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू आई बाई सी। जो प्रेशर होगा, रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू आई बाई सी। ये हो गया लाइट इंसिडेंट होने की वजह से उसके ऊपर प्रेशर, समझे ये बात? यस सर, यस सर। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम क्या करेंगे इस पे, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग लेंगे, रिफ्लेक्टिंग लेंगे, पार्शियली लेंगे, फिर इंक्लाइंड पे लेंगे, फिर कर्व्ड सरफेस पे लेंगे, तो रेडिएशन प्रेशर जो है के वेरिएशन होंगे। बेसिक लॉजिक ये है कि मोमेंटम तो है फोटोन के पास, फोटोन आया, टकराया, मोमेंटम चेंज हुआ, फोर्स अप्लाई किया उसने, फोर्स की डायरेक्शन देखनी है हमें, और फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एरिया, ये होगा प्रेशर। तो बेसिक स्टेप हमारा हर प्रॉब्लम में यही रहने वाला है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स की डायरेक्शन, और नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लीकेशन, और वो वहाँ से प्रेशर, बस केसेस बदलते जाएंगे, ठीक है। तो बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक वेव ऑप्टिक्स का अपना जो भी है पेंडिंग उसको खत्म कर लो। यस सर, उसको जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे सर। फोटॉन्स, फोटॉन्स।